दोस्तों आज हम फिर से निकल चुके हैं। नीचे नीचे जगह नहीं है जाने के लिए। टिफ्टी कवर करके फिर नीचे अभी यहाँ से बाहर निकलते गाइस। लेट्स गो। आज हम फिर से निकल चुके हैं ट्रिप मीटर जीरो करके एक हेरिटेज टाइप जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए देखते हैं आगे, लेट्स गो। फाइनली फ्रेंड्स हम हमारे डेस्टिनेशन पे आ गए हैं जिसका नाम है दाय हरीर की वाव। और ये मेरे पीछे आपको एंट्रेंस दिख रहा होगा, यहाँ से उसका एंट्रेंस है। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस भी की लिखी गई है, आप देख सकते हो कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दिए गए हैं। यहाँ पर ऐसा मेंशन है कि ये जो दाय हरीर की वाव है ये हमारा आर्कोलॉजिकल पार्ट्स है, तो यहाँ पर अगर कोई भी इसका दुरुपयोग करता है या उसको नुकसान करता हुआ दिखा गया तो यहाँ पर कुछ जुर्माना, 5,000 का जुर्माना और 3 महीने की जेल भी हो सकती है। और इसके प्रॉपर लोकेशन के बारे में देखा जाए तो ये लोकेशन अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन से कुछ 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और चलिए मैं आपको बाकी की लोकेशन बताता हूँ। और दोस्तों यहाँ की बात देखा जाए तो यहाँ पर कोई चार्ज और कोई शुल्क नहीं है। देखिए कितनी खूबसूरत लोकेशन है। और यहाँ के एंट्रेंस में सबसे पहले यहाँ पर एक गुम्बददार मकबरा बनाया गया है और इसके बाद स्टेप वॉल है और सामने की तरफ 2 छोटे-छोटे सीढ़ियाँ बनाई गई है जो नीचे की तरफ ले जाती है। और उसके पीछे मस्जिद है और उसके बाजू में बिल्कुल मकबरा है। चलिए उसे नज़दीक से देखते हैं। पहले हम ये जो गुम्बद पीछे दिख रहा है वो गुम्बद से स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेप वॉल में नीचे उतरेंगे और देखेंगे वहाँ पर कुआ है, पानी को स्टोर करने के लिए कुआ बनाया गया है, उसको हम जानेंगे। चलिए लेट्स गो। तो अभी हम इस गुम्बद को देखें, 11 स्तंभ से बना हुआ गुम्बददार मंडप है। ये मंडप को आप ध्यान से देखो तो उसके नक्शी काम को आप देखते ही जाओगे, इतना बारीक नक्शी काम किया गया है। और जब हम गुम्बद को अंदर से देखते हैं तो अंदर गोलाकार आकार में नक्शी काम किया गया है। और एक आप सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये सीढ़ियाँ जाती है सीधा 5 फ्लोर नीचे कुएं की तरफ। चलिए देखते हैं। और ये जो सीढ़ी को लग के जो छोटी छोटी बारीक नक्शी काम किया गया है वो आप देखते ही जाओगे, इतना खूबसूरत नक्शी काम किया गया है। और ये अभी के इमारतों से काफ़ी अलग नज़र आएगा आपको, आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं पहले फ्लोर की तरफ। तो दोस्तों पहले फ्लोर पे नीचे आते ही हमें मिलेगी एक शिलालेख जिसमें बारीक अक्षरों से संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। आप देख सकते हो कितने बारीक अक्षर से लिखा हुआ है। और ये जो संस्कृत शिलालेख है, संस्कृत शिलालेख के बिल्कुल राइट में ही सामने की तरफ एक और शिलालेख है जिसको अरबी में लिखा गया है। देखिए ये रही, देख सकते हैं आप कितना बारीक लिखा गया है यहाँ पर। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम जैसे ही नीचे उतरते हैं यहाँ पर चारों बाजू नक्काशी और इतने सारे स्तंभ दोनों मिला के काफी आकर्षक आर्किटेक्चर खड़ा करते हैं। देखिए कितना आकर्षक है ये। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं एग्जिट 3 फ्लोर नीचे। चलिए देखते हैं नीचे से ऊपर का नज़ारा कैसा लगता है। चलिए अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। और इस वाव के बारे में देखा जाए तो ये वाव 15वीं सदी में बाय हरीर ने बनाई। और दोस्तों बाय हरीर के बारे में देखा जाए तो बाय हरीर जो अहमदाबाद के सुल्तान थे महमूद शाह बेगड़ा के हरम में काम करती
एक लीडर थी और वहाँ पर उसे सुल्तानी भी बोला जाता था, तो उसी के नाम पर से इस वाव का नाम बाई हरीर सुल्तानी वाव पड़ा। और बाद में फिर आगे जाके इसका डाई हरीर के नाम से भी जानने लगे। डाई हरीर के बाद जैसे जैसे समय निकलता चेंज होके दादा हरीर की वाव हो गया। जैसे आपको पता है अभी मैं हूँ दाई हरीर की वाव में, दाई हरीर की बावड़ी में, और हम एक एक फ्लोर नीचे उतरते जा रहे हैं। जैसे जैसे फ्लोर नीचे उतरते जा रहे ऐसे ऐसे अंधेरा बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा ये जो बावड़ी है ये पूरी 5 मंजिला गहरी है, मतलब 5 फ्लोर नीचे है, -5 जिसे हम बोल सकते हैं। और जैसे जैसे हम यहाँ पर उतरते जा रहे हैं ऐसे ऐसे बाहर का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में कमी होती जा रही है, मतलब बाहर ज़्यादा गर्मी है तो नीचे जैसे जैसे हम नीचे उतरते जा रहे हैं ऐसे ठंडक हमें फील हो रही है। चलिए देखते हैं आगे। और यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हो, कितना बारीक और कितना खूबसूरत काम किया गया है। उस टाइम के आर्किटेक्ट की बात ही अलग है। और दोस्तों इस वाव को खास पानी को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। कितना अंधेरा है यहाँ पर, वाव। यहाँ पर अभी रिसेंटली में बारिश पड़ा था इसलिए यहाँ पर बारिश का पूरा पानी भर गया है। और अंदर एक और कुआ है, हम चलो ट्राई करते हैं अंदर जाने की, लेट्स गो। यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर पैर पिछला तो हम जाएंगे पानी के अंदर। चलिए संभाल के जाते हैं अंदर की तरफ। कितना अंधेरा है यहाँ पर। हाँ तो ये है सबसे आखिर, सबसे लास्ट में जो कुआ है वो ये वाला कुआ है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत और कितना घुमावदार कुआ बनाया गया है उस टाइम के हिसाब से। दोस्तों अभी हम हैं दाई हरीर की वाव में, दादा हरीर की वाव में। ये वाव टोटल 5 हिस्से में बनी हुई है। एक ये वाला पार्ट है और उसके पीछे कुएं वाला पार्ट है जहाँ पर वाटर पानी, दूसरा पीछे की तरफ स्टेम हॉल है, चौथा यहाँ पर नीचे उतरने के लिए सर्कुलर सीढ़ियां हैं, फिर बाहर एक और हमने अभी तक टोटल 4 चीजें देखी है। अभी हम बढ़ेंगे सर्कुलर सीढ़ियों की तरफ। तो भाई ये है सर्कुलर सीढ़ियां जहां से हम फ्लोर बाय फ्लोर नीचे उतर सकते हैं। चलो एक और फ्लोर नीचे जाते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ऐसे ऐसे अंधेरा ज्यादा बढ़ रहा है। ये ताली मत बजा भाई, चमगादड़ ऊपर। हम 2 फ्लोर नीचे आ गए। जैसे जैसे नीचे आ रहे ऐसे ऐसे चमगादड़ की संख्या इधर बढ़ रही है। चलो और नीचे उतरते। तो अभी हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, अकेला उतर रहे हैं साथ में। मेरे पे जरा भी हिम्मत नहीं बची ये काम करने के लिए। चमगादड़ है भाई इधर, और कुछ नहीं है। ये रहा, ये रहा। आ गए, इससे नीचे जगह नहीं है अभी जाने के लिए, यहीं तक था। फिर अंदर ऊपर चमगा दे, ये भाई इतना सारा सेफ्टी कवर करके फिर नीचे आए हम लोग। चलो अभी यहाँ से बाहर निकलते गाइस, लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हम बाहर आ गए हैं और हम बढ़ते हैं मस्जिद और मकबरे की तरफ। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी बेहतरीन तरीके से पानी की व्यवस्थापन की गई है। यहाँ पर सामने की तरफ कुआ है, कुएं में से जैसे पानी भराता है, पानी भराते ही वाटर सप्लाई की सुविधा दी गई है, देखिए। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और मस्जिद और मकबरे को देखते हैं, लेट्स गो।
तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं, ये देखो ये मस्जिद है और ये है मकबरा, और यहाँ पर सामने की तरफ कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है, चलिए देखते हैं इसे। देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है बाय हरीर सुल्तानी, और ये डिटेल्स वही है जो हमने आपको पहले बताई। अगर आपने वीडियो स्किप करी होगी तो शायद आपको ना पता चले। और दोस्तों अभी हम चारों बाजू से मकबरे को देखते हैं और फिर अपने जाएंगे मकबरे के अंदर। तो दोस्तों ये है बाय हरीर का मकबरा, और ये काफ़ी बड़ा और खाली रूम जैसा है, और ऊपर बड़ा गुम्बद, और यहाँ पर कब्रें भी हैं। तो दोस्तों ये है बाय हरीर सुल्तानी की मस्जिद, और इसकी जो नक्काशी है वो वाव और मकबरे से काफ़ी अलग निकल के आती है। और अब चलिए अभी हम चलते हैं मस्जिद के अंदर। अब देखिए यहाँ पर मस्जिद ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर इसकी जो बनावट है वो काफ़ी खूबसूरत है। और ये जो मस्जिद है वो एक या दो सफ़े की ही मस्जिद है, उससे ज़्यादा बड़ी मस्जिद नहीं है, और अंदर गुम्बददार नक्काशी भी की गई है। और इसके एंट्रेंस पे जो दो बड़े स्तंभ है उसकी नक्काशी काफ़ी बारीक और काफ़ी खूबसूरत है। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं तक था, अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।